लोकसभा का सांसद बनने के लिए कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं जिनमें यह पूछा गया है कि अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सांसद बनना चाहता है तो वो कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर बात करें लोकसभा का सांसद बनने के लिए, तो लोकसभा का सांसद बनने के लिए भी कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई है, जो कि अगर किसी व्यक्ति में होगी तभी वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। तो सबसे पहली योग्यता तो ये होनी चाहिए कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता ये होनी चाहिए कि वो कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरी योग्यता ये होनी चाहिए कि वह किसी भी लाभ के पद पर न हो। और चौथी योग्यता ये होनी चाहिए कि वह व्यक्ति पागल या फिर दिवालिया न हो। इसके साथ ही संसद द्वारा कुछ और अर्हताएँ, कुछ और ज़रूरतें जो है वो निर्धारित की गई हैं, वो भी उसमें होना चाहिए, लेकिन मुख्यतः यह चार ही हैं। अब बताती है कि कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो इसके बारे में संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस बारे में कोई नियम नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर लोकसभा का सांसद बनना चाहता है तो वो कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो भी वो बड़ी ही आसानी से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, और अगर वह चुनाव जीत जाता है तो वो लोकसभा का सांसद बन जाएगा। यानी कि कोई अनपढ़ व्यक्ति भी लोकसभा का सांसद बन सकता है। कहने का ये मतलब है कि अगर आप कोई जॉब लेने के लिए जाते हैं तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता जो है वो निर्धारित की गई है कि कम से कम इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन जो लोग देश चला रहे हैं उनके लिए ये योग्यताएँ निर्धारित नहीं की गई हैं। दोस्तों, जब देश आज़ाद हुआ था उस वक्त देश में बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, अधिकतर जो आबादी थी वो अनपढ़ थी। तो उस समय क्या किया गया कि कोई गरीब व्यक्ति भी सांसद बन सके, कोई पिछड़ा व्यक्ति भी सांसद बन सके, इसके लिए उस समय शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई। लेकिन उसके बाद कई सारे संशोधन हुए, कई सारे नियम बने, लेकिन इसके बावजूद इस पर कोई नियम नहीं बना, और अब आज तक जितनी भी सरकारें बनी उनमें से किसी ने भी ये ज़रूरी नहीं समझा कि लोकसभा का सांसद बनने के लिए भी कुछ जो शैक्षणिक योग्यता है उसको निर्धारित किया जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि अधिकतर जो नियम है वो संसद के द्वारा बनते हैं, ये सारी चीज़ें भी संसद द्वारा ही जोड़ी जाती है, और संसद में हमारे नेता लोग ही बैठते हैं, तो उनको ज़रूरत कहीं महसूस नहीं हुई कि कोई भी चाहे सरकार रही हो, किसी की भी सरकार रही हो, वो आज तक इस चीज़ को नहीं जोड़ पाए कि कम से कम ग्रेजुएशन तक या 12th तक या 10th तक की योग्यता जोड़ दी जाए कि इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए लोकसभा सांसद बनने के लिए, लेकिन आज तक किसी ने जोड़ने की ज़रूरत नहीं समझी। बाकी अगर आप एक चपरासी भी बनने के लिए जाते हैं तो उसमें भी कम से कम 10th तक की या 12th तक की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, शैक्षणिक योग्यता है, उसको अनिवार्य माना जाता है, लेकिन इनके लिए कुछ अनिवार्य नहीं है। और एक मज़े की बात कि जो व्यक्ति लोकसभा का सांसद बन सकता है वो व्यक्ति देश का शिक्षा मंत्री भी बन सकता है, देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। तो अगर आप टेक्निकली देखें तो कोई अनपढ़ व्यक्ति भी देश का शिक्षा मंत्री बन सकता है, देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, अगर वो लोकसभा का सांसद बन जाता है तो। और अगर लोकसभा का सांसद बनना है तो उसके लिए कोई शैक्षणिक योग्यता है नहीं, तो वो तो अनपढ़ व्यक्ति भी लोकसभा का सांसद बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हम सीधे शब्दों में समझें तो अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सांसद बनना चाहता है तो अगर वो पढ़ा लिखा है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो अनपढ़ है तो भी वो लोकसभा का सांसद बड़ी ही आसानी से बन सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, हो तो लाइक के बटन जरूर दबा दें, वीडियो शेयर करें, और हमारे वीडियोज़ के बारे में, चैनल्स के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और हमारे वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, हर किसी के साथ शेयर कीजिए, ताकि सब तक ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचती रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।